जय हिंद दोस्तों, मैं जतिन चौधरी आज फिर आप सभी का अपने जी एस भाई जतिन चौधरी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं एक स्टैटिक जीके का बैच चलाऊंगा, वो मैं आज आप सभी के सामने लेकर प्रेजेंट हूँ। और देखिए, जो ट्रिक्स कराते हैं वो मैं एग्जाम से एक महीने पहले सारी ट्रिक आपके सामने खोल रख दूंगा। बट अभी टाइम है तो हम बेसिक से लेकर चलेंगे, बेसिक से सारा पढ़ेंगे। फिर जब हमारा एग्जाम का 1 मंथ बचा होगा उस समय हम भी ट्रिक आपको मैं ट्रिक पहले एग्जाम से पहले कराई थी, देख लेना। मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें सारी ट्रिक पड़ी हुई है कि मैंने एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले ही वो बैच चलाया था। और इस टाइम हमारे पास टाइम है तो हम बेसिक से लेके चलेंगे, सारे पेज खोलते चलेंगे। देखिए आज मैं क्या लेकर आऊँ आपके सामने, क्लास पर फोकस करना मेरे भाई। तो मैं आप बस बोर्ड पर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जी एस भाई जतिन चौधरी को टेलीग्राम के नंबर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको हर पीडीएफ मिलेगी। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस महामारी से, इस बीमारी से छुटकारा पाइए। अपने घर रहिए और सुरक्षित रहिए। देखिए आइए, मैं आज कौन सा टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, स्टैटिक जीके क्लास वन। देखिए मैं आज आपको कराऊंगा, कुछ कंट्री उठाई है मैंने एशिया की, उनकी कैपिटल उठाई है और करेंसी उठाई है मेरे भाई। मैं सिलेक्टेड कंट्री कराऊंगा और देख लेना, एग्जाम में वहीं से मिलना है, वहीं से मिलना है एग्जाम में, क्योंकि मैं वही उठाता हूँ। मैंने लास्ट जब एग्जाम हुआ था उसमें भी यही किया था और इस बार भी वही कर रहा हूँ। देख लीजिए, आप बोर्ड पर फोकस कीजिए। देखिए पहले मैंने अपना प्यारा भारत उठाया है, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा प्यार है। सबसे पहले हमने क्या उठाया है, अपना प्यारा भारत। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत की राजधानी मतलब कैपिटल कहाँ पर पड़ती है, नई दिल्ली मतलब न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हमारी कैपिटल है। और हमारी करेंसी क्या है भाई? हमारी करेंसी है रुपया। जी क्या रुपया? रुपया की ट्रिक भी मैंने करा रखी है कि किस किस देश की रुपया है वो देख सकते हो। बट अभी मैं बेसिक से लेके चलूंगा मेरे भाई। मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है जो हमारा अब जुड़ा है। कुछ बच्चे हमारे पहले के जुड़े हुए हैं, बट मैं सबको एक साथ लेके चलूंगा। देखते रहिए हमारे सारे बैच, आप यू ही प्रॉपर। सेकेंड देखिए, सेकेंड मैंने कौन सा कंट्री लिया है? देखिए चीन। जी हाँ, चीन भी हमारे बहुत करंट में रहने वाला कंट्री है। और देखिए चीन की क्या है, चीन की मेरे भाई बीजिंग क्या है, बीजिंग। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी युआन। क्या मेरे भाई? युआन है। और नेक्स्ट देखिए नेपाल, थर्ड नंबर का नेपाल। ये हमारे सब पड़ोसी देश उठाए मैंने, नेपाल। नेपाल देखिए मेरे भाई, नेपाल देखिए नेपाल। और नेपाल की राजधानी कहाँ पर पड़ती है, कैपिटल? ये काठमांडू। ये हमारी काठमांडू पड़ती है। और ये आप सभी कमेंट बताएंगे काठमांडू में किस चीज का हेडक्वार्टर है। ये सभी सभी बच्चे कमेंट बताएंगे। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? मैं सही बच्चों की कमेंट चेक करूंगा आज। देखिए और नेक्स्ट देखिए, नेपाल की हमारी करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेक्स्ट देखिए हमने उठाया है फोर्थ कंट्री। देखिए हमने फोर्थ कंट्री उठाया क्या मेरे भाई? बांग्लादेश उठाया है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? देखिए मेरे भाई, बांग्लादेश की राजधानी हमारी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। मेरे भाई जी हाँ, आप बोर्ड पर फोकस करते चलिए। इसकी राजधानी ढाका और इसकी करेंसी टका। इसमें बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस पर देखो हाईलाइट करता हूँ। इसकी राजधानी की कैपिटल क्या है? ढाका। और इसकी करेंसी क्या है? टका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देश उठाया मैंने, नेक्स्ट कंट्री उठाया मैंने भूटान। जी हाँ, नेक्स्ट कंट्री उठाया मैंने भूटान। भूटान को देखिए आप, भूटान की कैपिटल क्या है? देखिए मेरे भाई, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की कैपिटल राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है मेरे भाई? थिम्पू। और मेरे भाई इस पर स्टार लगा दो। इसकी करेंसी एग्जाम में इतनी बार आ चुकी है कि सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि नगुल ट्रम इसकी करेंसी क्या है। मेरे भाई लिख लेना, स्टार लगा लेना, भूटान की करेंसी अभी तक हर एक बहुत सारे एग्जामों में कई बार आ चुकी है। और बच्चे ऐसी चीज आप देखिए, आपने पढ़ा नहीं, रुपया युआन, नेपाली रुपया, टका, ये सब सेम से वर्ड लगते हैं। पर जो नगुल ट्रम आया ये अजीब सा वर्ड लगता है, बच्चे उसे छोड़ देते हैं। पर मेरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। देखिए क्या है भूटान, भूटान की करेंसी क्या है? नगुल ट्रम। और भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। मेरे भाई अच्छे से करते चलना। नेक्स्ट देखिए जापान, मैंने छठे नंबर का कंट्री उठाया जापान। जापान की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है? टोक्यो। टोक्यो। और इसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी होती है मेरे भाई येन। इसकी
गलती होती है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बनाया मैंने, नेक्स्ट बनाया मैंने ताइवान। देखिए मेरे भाई ताइवान, नेक्स्ट बनाया मैंने ताइवान, और ताइवान की राजधानी कहां पर है? ताइपेड। ताइपेड क्या है? ताइपेड मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेकर आया हूं मैं, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। क्या है इसकी करेंसी? ताइवान की कैपिटल क्या होती है? ताइपेड। और ताइवान की करेंसी क्या होती है? न्यू ताइवान डॉलर। क्या होती है मेरे भाई? न्यू ताइवान डॉलर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, देखो नेक्स्ट 8 नंबर का हमारा कंट्री है यमन। जी हाँ यमन, ये सभी में एशिया के करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए युआन, नेक्स्ट है यमन। यमन की क्या है मेरे भाई राजधानी? यमन की राजधानी हमारी क्या है? साना। क्या है? साना। और इसके हमारी करेंसी क्या है मेरे भाई? इसकी करेंसी है रियाल। मेरे भाई एक बार अच्छे से पढ़ते चलो, इनकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब बस आप इसे अच्छे से सुनते चलो, अच्छे से पढ़ते चलो, जहाँ कोई कन्फ्यूजन हो स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में क्वेश्चन डाल देना, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। करंट में क्वेश्चन कमेंट में क्वेश्चन डाल देना। नेक्स्ट देखिए कतर, अगला कंट्री हमने लिया है कतर। कतर और कतर की हमारी करेंसी क्या है? कतर की हमारी कैपिटल, ये हमारी कैपिटल, अरे मेरे भाई दोहा। ये दोहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दोहा? ये किसकी है? कतर। कतर की राजधानी दोहा। मेरे भाई इसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी होती है रियाल। इसकी करेंसी क्या होती है? रियाल। मेरे भाई आप जो मैं करा रहा हूँ वही करते चलो। मैं आज आपको 20 कंट्री कराने वाला हूँ, और 20 कंट्री में देखिए मैं इन 20 कंट्री में ही आपके पेपर में उतार दूंगा, आपके पेपर में उतर जाएंगे। मैं वही लेकर आ रहा हूँ जहाँ करंट में कुछ ना कुछ चल रहा है, और जो बचेंगे उनकी मैं आपको बीच बीच में शॉर्ट वीडियो देता रहूंगा। अब आइए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्चर देखिए। जैसे कि मैंने लो करा दी है, दसवां देखिए, दसवां में कौन सा लेकर आया हूँ? दसवां मेरे भाई ईरान। ईरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुस्लिम कंट्री है। देखिए ईरान, ईरान की क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान। क्या है? ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान की, जी हाँ ईरान की करेंसी है तोमान। क्या है? तोमान। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अगर आपने सही से कर लिया ना, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया मेरे भाई, नोट्स में आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, बस आप अच्छे से पढ़ते चलो, अभी अच्छे से फोकस करते चलो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने क्या लिया है? नेक्स्ट लिया है मैंने इराक। और इराक की कैपिटल क्या होती है? इराक की कैपिटल है बगदाद। देखिए मेरे भाई क्या बगदाद, इराक की कैपिटल क्या है मेरे भाई? बगदाद। ये भाई ये भी एग्जाम में कई बार आ चुकी है, इसका ला अल्लाह, ये इराक की कैपिटल है बगदाद। और भाई इसकी करेंसी क्या होती है? देखिए इसकी करेंसी है इराकी दिनार। क्या है मेरे भाई? इराकी दिनार। देखिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का वियतनाम। अरे भाई वियतनाम, 12 नंबर का देखिए क्या है? वियतनाम। देखिए क्या है मेरे भाई? वियतनाम। और वियतनाम की कैपिटल क्या होती है? वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई। क्या होती है? हनोई। जी हाँ देखिए वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। हनोई वियतनाम की कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी होती है मेरे भाई डांग। क्या डांग? क्या होती है मेरे भाई? डांग। अच्छी इंपॉर्टेंट करेंसी है मेरे भाई, इसका लाभ निकलना कि वियतनाम की करेंसी क्या होती है? वियतनाम की करेंसी होती है डांग। जी हाँ देखिए डांग भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर भी। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट कंट्री जो कराने वाला हूँ उस पर तो स्टार लगा लेना, कोई से भी एग्जाम में आ सकता है। करंट का टॉपिक चल रहा है, करंट का टॉपिक चल रहा है। देखिए म्यांमार में तो स्टार लगा लेना पूरी भी, यहाँ से लेकर वहां तक सारे को अच्छे से पढ़ना है आपको, सारे को। किसी भी एग्जाम में आ सकता है इस बार ये, किसी भी एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर है कि आर्मी में और गवर्नमेंट में झगड़ा चल रहा है, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। जो करंट के टॉपिक है जीएस में क्वेश्चन वहीं से बनता है। देखिए भाई मेरे यहाँ देखिए म्यांमार, और म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है देखिए नाप्पीटाप। क्या? नाप्पीटाप भाई, इसे याद कर लेना, नाप्पीटाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। म्यांमार की कैपिटल नाप्पीटाप भाई, स्टार लगा रहा है इसमें तो तीन, क्योंकि म्यांमार बहुत ज्यादा करंट पर टॉपिक चल रहा है। और इसकी करेंसी भी देख लेना, इसकी करेंसी होती है क्या? करेंसी क्या होती है इसकी? करेंसी होती है इसकी क्या मेरे भाई? क्या? नेक्स्ट देखिए साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया। देखिए दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया भाई बहुत अच्छा अनलाइक टॉपिक है ये, क्योंकि साउथ कोरिया में भी अच्छी खासी
क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। देखिए साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल, सियोल। और यहाँ की करेंसी क्या है? वॉन। क्या मेरे भाई? बान करेंसी। यहाँ की करेंसी क्या है? बान। नेक्स्ट देखिए मंगोलिया, क्या है नेक्स्ट? मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। देखिए उलान बटोर, जी हाँ, देखिए क्या है? उलान बटोर। और इसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी होती है तुगरिक। क्या होती है? तुगरिक। देखिए क्या होती है? तुगरिक। क्या होती है मेरे भाई? तुगरिक। नेक्स्ट देखिए सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। और नेक्स्ट देखिए सिंगापुर की करेंसी क्या होती है मेरे भाई? सिंगापुर की करेंसी होती है डॉलर। क्या होती है? डॉलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए कंबोडिया, 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 कंबोडिया। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का मैं कंट्री करा रहा हूँ, कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल में स्टार लगा लेना, कंबोडिया की कैपिटल में स्टार लगा लेना। ये क्या होती है? ये होती है नोम पे। क्या होती है? नोम पे। क्या होती है? नोम पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी करेंसी पे, इसकी कैपिटल में निशान लगा लेना। और मेरे भाई इसकी देखिए इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी रियल। इसकी करेंसी क्या है? रियल। इसकी करेंसी क्या है? रियल। करेंसी क्या है? बट सजाइए, रियल नहीं, रियल। क्या है? रियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए थाईलैंड, थाईलैंड भी आपको पता है कब करंट पर टॉपिक रहता है थाईलैंड। थाईलैंड के तो आप सभी को पता भी होगी, पर एक बार और अच्छे से कर लेना। थाईलैंड, थाईलैंड की क्या होती है? बैंकॉक। क्या होती है? बैंकॉक। और इसकी करेंसी, करेंसी होती है बहत। क्या? बहत। मेरे बर्ड्स पे जाना, बहत। क्या? बहत। और नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का मैं कंट्री लाया हूँ, जॉर्डन। क्या मेरे भाई? जॉर्डन। और जॉर्डन की कैपिटल क्या होती है? जॉर्डन कैपिटल होती है अम्मान। क्या होती है? देखिए अम्मान। क्या मेरे भाई? अम्मान। देखिए हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए अम्मान मेरे भाई, अच्छे से करते चलो अम्मान। और इसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी क्या होती है? जॉर्डियन डॉलर। मे भी आपको शायद आपको डॉलर नहीं दिख रहा होगा, देखिए मैं इधर कर देता हूँ, ये जॉर्डन, जॉर्डियन डॉलर। देखिए मेरे भाई, हाँ देखिए जॉर्डन डॉलर किसकी होती है? जॉर्डन की। उसकी कैपिटल क्या होती है? अम्मान। और नेक्स्ट देखिए आप पाकिस्तान, पाकिस्तान को मैंने नीचे ही रखा था, पाकिस्तान नीचे ही रहना चाहिए हर टाइम, इसीलिए मैंने पाकिस्तान को सबसे नीचे ही रखा है। देखिए आप पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ये भी आपको अधिकतर पता होगा, क्योंकि इसे कहते हैं हब ऑफ टेररिज्म। क्या कहते हैं इसे? हब ऑफ टेररिज्म। क्या कहते हैं? हब ऑफ टेररिज्म, क्योंकि यही से बहुत बड़ा आतंकवाद फैलता है हमारे पूरे देश में। और हमारे ये यूनाइटेड स्टेट की एक संगठन था, उसने इसे हब ऑफ टेररिज्म का इसे लोगो दे दिया है। क्या? हब ऑफ टेररिज्म किसे? इस्लामाबाद को, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आतंकवादी निकलते हैं। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी क्या है? रुपया। और जी हाँ बच्चों, कुछ बच्चों के कल कमेंट थे कि सर वीडियो हिंदी में लाइए, कुछ बच्चों कमेंट थे सर इंग्लिश में लाइए। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं बहुत जल्दी इस चीज़ पे भी करने वाला हूँ, और आप देखिए मैं आपकी वीडियोस हिंदी में भी लाऊंगा, इंग्लिश में भी लाऊंगा, चाहे मुझे एक दिन हिंदी लानी पड़े, एक दिन इंग्लिश लानी पड़े, पर बच्चों तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। आप अच्छे से पढ़ चलो, बस आपका एक ही काम है, और कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भाइयों, जितना हो सके इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, हर उस बच्चे तक पहुँचाना जो बच्चा पढ़ना चाहता हो, जो बच्चा पढ़ना चाहता हो। लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में हर बच्चा पढ़ना चाहिए, कोई बच्चा निराश नहीं होना चाहिए। और जीएस, मैं जीएस की गारंटी लेता हूँ कि जीएस में उस बच्चे का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम कोई सा भी हो, उस एग्जाम में वो धमाल मचा कर आएगा। बस मात्र मेरी वीडियो लगातार ऐसे ही देखते रहो, लगातार ऐसी वीडियो शेयर करते रहो, ऐसे यूट्यूब चैनल बनाते रहो। कुछ दिनों पहले छोटा बहुत था, बड़ा हो गया, और बहुत जल्दी आपके बड़े भाई, आपके बड़े भाई इतना बड़ा धमाल मचाने वाले हैं। बस आपका प्यार यूं ही बना रहना चाहिए, आपका प्यार यूं ही बना रहना चाहिए। और मेरी सभी माताओं बहनों और सभी घर वालों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर, कि जब कोई ज़रूरी काम हो जब घर से बाहर निकले, वरना अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले। आपको भी पता है कोरोना के कितने केसेस बढ़ रहे हैं, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, हर बच्चे अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें और खुश रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज की वीडियो में ही अंत करता हूँ, और इन वीडियो को मेरे भाइयों हाथ जोड़कर नहीं भेजा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।